ट्रस्ट मी, मैं सीरीज को स्ट्रेंजर थिंग्स और द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस से कंपेयर नहीं करूंगा जैसे बाकी के नॉन क्रिटिक्स कर रहे हैं। हॉरर की जब भी बात चलती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं आप होते हैं नहीं, बट स्टिल हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं लाइक 80% लोग वो एक्साइटेड हो जाते हैं। 20% मुझे मालूम नहीं यार भाई क्यों डरते हो, क्या कुछ नहीं होता यार। बट स्टिल अब नेटफ्लिक्स एक नई सीरीज लेके आया है, वो है टाइपराइटर, और ये एक इंडियन शो है। तो बताता हूँ इसके बारे में क्या है, इसका स्टोरी प्लॉट क्या है, मेरे थॉट्स। बट उससे पहले इसके स्टोरी प्लॉट की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो Here goes the story plot. टाइपराइटर की कहानी स्थित है बारदेस विला में, जो गोवा में है, और उस विला में एक हॉरर स्टोरी राइटर माधव की मौत हो जाती है, जो कि ग्रैंडफादर होते हैं जेनी के, और बाद में जेनी वहां से चली जाती हैं। पर दो दशक के बाद वो वापस से उसी जगह पे फिर से रहने के लिए आती हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ। दूसरी तरफ तीन बच्चों का ग्रुप है जो कि भूत पकड़ना चाहता है, और उन्हें पता है कि बारदेस विला में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या होता है, क्या वो भूत पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, और क्या घटनाएं होती उस घर में, ये सब आपको देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पर। टू बी ऑनेस्ट ये सीरीज ज्यादा ना अच्छी है और ज्यादा ना बेकार है, तो मतलब लाइक ये बैलेंस्ड है। आप जब ये सीरीज देखेंगे तो एंड में आपके मुंह से यही निकलेगा कि ठीक है यार इट्स अ फाइन शो, लाइक कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है बट स्टिल इट्स अ फाइन शो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इसके राइटर थे ये इस सीरीज को और भी ज्यादा लाइक एक एंड तक ले जा सकते थे, इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर सकते थे और लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ों को लाइक इस्टैब्लिश कर सकते थे अच्छे से, बट उस चीज़ों को अच्छे से इस्टैब्लिश नहीं करा गया है। कुछ टाइम पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि अच्छा ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लाइक स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में, बट जब मैं एक बारी मुझे इसका प्लॉट पता चल गया तो मुझे पता था एंड में क्या होने वाला है, और इससे आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। और साथ ही साथ आप इस सीरीज में बहुत आराम से लूप होल्स ढूंढ सकते हैं, और कुछ चीज़ें तो लाइक होए जा रही है, मतलब मेरे को उसका डिस्क्राइब करने का मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूं, बट एंड के एपिसोड में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बस हो गई, उसे अच्छे से लाइक ट्विस्ट नहीं डाला गया उसमें। बट अगर मैं परफॉर्मेंस और करेक्टर आर्क की बात करूं तो पोलमी घोष शी वॉज फकिंग फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने इस सीरीज में परफॉर्मेंस दी है शी लिटरली गॉट मी, लाइक वो इस सीरीज में डुअल रोल कर रही हैं, और उसमें एक जो उनकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा काम है, और जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और लाइक उसे बदला लेना है लोगों से, और जिस तरीके से उन दोनों को उन्होंने प्ले करा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखने में, और उनकी जो एक्टिंग थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब थी सीरीज़ में। अगर मैं लाइक आन्या शर्मा की, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और उनका करेक्टर आर्क भी बहुत अच्छा था। ट्रस्ट मी इस सीरीज़ में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉबलिंग थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया अपना। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि लाइक जो रवि थे, जो जिनका रोल पूरब कोहली ने प्ले करा, उनका रोल मुझे कहीं ज़्यादा लाइक मैं उनको फील नहीं कर पाया, लाइक वो आ रहे थे और जा रहे थे और उन चीज़ में लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका करेक्टर जो था उन्हें बहुत अच्छे से लिखा नहीं गया है। लाइक थ्रू आउट द सीजन मुझे लग रहा था कि कुछ करेक्टर और भी ज़्यादा कुछ कर सकते थे इस सीरीज़ में, जिनका यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया गया, और उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि यार ये जो है ये चीज़ थोड़ी बहुत लेज़ी राइटिंग में काउंट होती है, और लाइक जो इसके डायलॉग्स भी हैं वो भी थोड़े बहुत पैची है, लाइक वो ह्यूमर डालने की कोशिश कर रहे हैं बट वो सही टाइम पर सही जगह लगा नहीं, और उसकी वजह से थोड़ा एब्सर्ड सा माहौल हो गया था कुछ जगह पे, लाइक वो हम कहते हैं ना भाई तू कूल बनने की कोशिश कर रहा है बट वो वहाँ पे फेल हो गया, वही वाला सीन था इस सीजन में थोड़ी जगह पे। डायरेक्शन ऑफ दिस सीरीज इज द बेस्ट पार्ट, बट थोड़ी जगह पे आपको कॉन्टिन्यूटी थोड़ी ब्रेक होती हुई दिखेगी, वो भी लाइक लास्ट एपिसोड में, और इसके एंडिंग से आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि उसे थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता था। बट अगर मैं सीन्स की बात करूं तो इस सीरीज में कोई भी फालतू के सीन्स नहीं है, और जो इसका लेंथ वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से, लाइक पेसिंग उसकी बहुत अच्छे से, आपको कोई भी फालतू के सीन्स नहीं दिखेंगे। और जो इसका एक जो मेन पार्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जो बहुत ही ज़्यादा इस सीरीज में खूबसूरती डाल रहा था, वो था इसका कलर सैचुरेशन। लाइक इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कलर सैचुरेशन के बारे में, बट इस सीरीज़ में जो लाइक ब्लूज थे, येलोज थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, लाइक आई विल लिटरली अप्रिशिएट दैट। आप ये सीरीज़ देख सकते हैं बट एंड में सिर्फ आप इस सीरीज से सेटिस्फाइड होंगे। इट्स नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, बट गिव इट अ चांस। And by noticing all that, I'm going to give this series a 3-star. Thank you so much guys for watching this video and don't forget to subscribe my channel.